हाँ जी बेटा, हमने ऑन सैटरडे वी हैव डन इक्वेशन ऑफ प्लेन. मैंने आपको समझाई थी कि वो हम रिप्रेजेंट करते हैं, और पहली फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमने प्लेन की थी. वो प्लेन की इक्वेशन क्या थी? आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी. और मैंने कहा था कई बार, और कई हम बार हम यहाँ डायरेक्शन को साइंस ना लेके हम डायरेक्शन रेशियोज ले लेते हैं. तो वो जब डायरेक्शन रेशियोज लेते हैं तो बेटा ये मेरे पास जो एन कैप है वो एन वेक्टर की फॉर्म में बन जाता है. ओके, अगर मेरे पास ये एन वेक्टर है तो ये ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं होता. ओके, अगर मेरे पास ये एन कैप है ओनली देन ये ओरिजिन से डिस्टेंस इस प्लेन का होता है. और फिर हमने इसकी कार्टीजन फॉर्म की थी, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू डी. अपने आप देखिए, एल एम एन ये डायरेक्शन को साइंस है, ये इसकी है. ओके, और फिर मैंने ये बताया था जो भी कुछ हम बात करते हैं डायरेक्शन की, वो हम जब बात करते हैं कि प्लेन की डायरेक्शन अपनी कुछ नहीं होती है, वो सारी डायरेक्शन किसकी होती है? उसके नॉर्मल की. ओके बेटा, किसकी होती है? उसके नॉर्मल की. क्लियर? तो अगर मैं कह रही हूं कि मेरे पास एक प्लेन की डायरेक्शन दी हुई है एल एम एन, तो इट्स मीन्स कि इसके नॉर्मल की डायरेक्शन दी हुई है. ठीक है बेटा, एक सेकेंड रहो, प्लेन की दी होती है. और इसी पर बेस्ड मेरे पास जो है एग्जाम्पल 13th था. क्लियर कट यहाँ पर बताया गया था एग्जाम्पल 13th में बेटा कि मेरे पास फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस. मेरे पास जो है एग्जाम्पल 16th में बताया गया विच इज एट ए डिस्टेंस 6/√29 फ्रॉम द ओरिजन. बेटा जब बात ओरिजन से हो जाए, इट इज क्लियरली मेंशन कि ओरिजन से बात की गई है, तो बेटा 100% मतलब मुझे ये डी दे दिया है, दैट इज 6/√29 एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजन. अब ध्यान से देखना, नॉर्मल वेक्टर दिए है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर नहीं दिए है. तो व्हाट डज इट मीन कि मुझे ये एन वेक्टर की वैल्यू दे दी है, दैट इज 2i-3j+4k. ओके बेटा, तो उन्होंने आगे लिखा ऑल्सो फाइंड इट्स कार्टीजन फॉर्म. पहले तो हम क्या करें, वेक्टर फॉर्म तो लिखे, हमें एन कैप चाहिए होता है ना, क्योंकि ये ओरिजिन से डिस्टेंस दी है. अगर ओरिजिन से डिस्टेंस दी है तो 100% बेटा मेरे पास जो है इक्वेशन बनेगी आर वेक्टर इज इक्वल टू एन कैप इज इक्वल टू डी, है ना. तो अब एन कैप के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वेक्टर को मैग्नीट्यूड से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा. तो मेरे पास जो है वेक्टर 2i-3j+4k कैप ओवर इसका मैग्नीट्यूड 4+9+16. ठीक है बेटा जी, तो ये कितना हुआ, दैट इज 2i/√29 -3j/√29 जो है +4/√29 की क्या. ओके बेटा, तो ये मेरे पास क्या हो गया, बेसिकली n जो है कैप हो गया. अब ये अगर n कैप है तो बेटा 100% मेरे पास जो है यहाँ पर हम इक्वेशन लगा सकते हैं r वेक्टर डॉट बेटा 2i/√29-3j/√29+4k/√29 इज इक्वल टू डी /6/√29. अब बेटा डॉट है ना, ये वेक्टर इक्वेशन तो काम खत्म हो गया. अगर वेक्टर लिखना है तो फिनिश, मेरा कोई इसमें और रोल नहीं है. लेकिन अगर मुझे कार्टीजन लिखनी है, एक सिंपल सा तरीका है. आर क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और डॉट प्रोडक्ट लेना होता है तो आई आई के साथ, जे जे के साथ, के साथ.
यानी सिंपली क्या करते हैं बेटा, आई जे के की जगह पे एक्स वाई जेड लिख, एक मेथड तो ये। दूसरा मेथड सिंपल आपको भी पता है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी, ये इक्वेशन है। डी मुझे पता है, एल मैंने निकाल लिया, एल एम एन वहां से भी लिख सकते। नहीं तो अगर वेक्टर लिखी है, कार्टीजन लिखनी जरूरी, बहुत इजी है, आई जे के की जगह एक्स वाई जेड डाल दो, बस काम खत्म। तो क्या बन जाएगा कार्टीजन इक्वेशन, 2x बाय रूट 29 माइनस 3y बाय रूट 29 प्लस 4z बाय रूट 29 इज इक्वल टू 6 बाय रूट 29। अब आपने रूट 29 अगर काटना है तो आप काट दीजिए, आपकी मर्जी। ओके बेटा, क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? यहां तक जो है आपको समझ आ गया सबको? चले बेटा आगे, चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल्स करने बहुत जो है बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके बिना पॉसिबिलिटी नहीं है। चलिए नाउ नेक्स्ट, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए यूनिट जो है वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मेरे पास जो है उन्होंने कहा कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन मैंने एक यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है ना। दैट मींस फिर आगे भी पढ़ लेते हैं, पासिंग थ्रू द ओरिजन, और उसने कह दिया कि क्या निकालना है, वो ओरिजन से पास कर रहा है, इसका मतलब यूनिट नॉर्मल वेक्टर हमने निकालना है। क्या निकालना है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो दैट मींस मैं क्या करूंगी, सबसे पहले जो है मैं जो भी मेरे पास वो इक्वेशन दी होगी। अच्छा कैसे पता चलता है कि ये इक्वेशन प्लेन की है कि लाइन की है? अगर याद करो लाइन की इक्वेशन में आर वेक्टर जो है माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, वहां लेमडा होता था बीच में, होता था ना कोई ना कोई, लेमडा एस टी यू, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप देखोगे तो मेरे को क्लियर कट देख के ही पता चल जाता, और आगे लिखा भी हुआ है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आर वेक्टर डॉट 6i माइनस 3j जो है माइनस 2k जो है प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो जरा ध्यान से, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर मैंने इसको बेटा प्लेन की फॉर्म में लिखना है जो कि जहां पर यूनिट नॉर्मल वेक्टर आए, पहला काम है मैं कांस्टेंट क्वांटिटी को उधर ले जाऊं। जब मैं कांस्टेंट क्वांटिटी को बेटा उधर लेके जा रही हूँ तो मेरे पास जो है यहाँ पर क्या हो गया, -1। पर मैंने अभी आपको बोला डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर कभी भी ऐसे ये नेगेटिव आ जाए, ये नेगेटिव आप इधर ट्रांसपोज कर दो, इसके साथ साइन चेंज कर दो, ये काम खत्म हो गया। ओके, अगर कभी भी इधर नेगेटिव आ जाए उसको किधर ट्रांसपोज कर दो, ये जो हमारे पास हो गए नॉर्मल वेक्टर दिया था। अब मुझे तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर का निकालना है, ये नॉर्मल वेक्टर है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगी। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आर वेक्टर डॉट बेटा -6i प्लस 3j प्लस 2k वेक्टर डिवाइडेड बाय, मेरे पास जो है -6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, ऐसे ही सेम इससे डिवाइड कर दीजिए, कितना हुआ मेरे पास जो है 49, 49 से मैंने डिवाइड कर, ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्या बन गया, आर वेक्टर डॉट -6, √49 मीन 7। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर सीधा नीचे डिनोमिनेटर में हर आई जे के कंपोनेंट के साथ क्या लगा दूंगी, 7 लगा दूंगी, 7 + 3/7, ठीक है, इधर आए जे और 2/7 ये के और 1/7। ओके बेटा क्लियर? तो अब क्लियर कट, मेरे से उन्होंने यूनिट नॉर्मल वेक्टर पूछा, दिस इज माय यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो ओरिजिन से ही ड्रॉ होता है ना, और कहीं से तो नहीं होता ना। क्लियर बेटा, बात समझ आ गई सबको? एनी डाउट अप टू दिस लेवल बेटा? रसिका, सृष्टि, राणा, लक्षित, तेगवीर, एनी डाउट? चले आगे, चलिए गुड बेटा।
तो मेरे पास हो गए, एंड में आप लिखोगे यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप इज -6/7 आई +3/7 जे और +2/7 के। ठीक है बेटा। चलिए अब मेरे पास हो गए, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट बेटा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा एक प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल। मान लो अगर यही प्लेन होता और मुझे कहा जाता कि ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो तो क्या होता मेरे पास। हाँ जी, हु विल टेल मी। हाँ जी लक्षित, अनम्यूट योर सेल्फ बेटा। लक्षित अनम्यूट योर सेल्फ, जल्दी जल्दी बेटा। हाँ जी, ओरिजिन से बेटा डिस्टेंस कितना होगा हमारा अगर। हाँ जी अनम्यूट करो दोबारा लक्षित। यस मैम। मैम जो हमारा डायरेक्शन कोसाइन से जो डिस्टेंस होगा वो। बेटा मैंने ये प्लेन की इक्वेशन लिखी, मैंने आपसे कहा कि ओरिजिन से डिस्टेंस मेरा क्या है इस प्लेन की इक्वेशन में। मैम नहीं पता। नहीं पता हमने लक्षित प्लेन की इक्वेशन जब मैं बार बार लिख रही हूँ ऐसे आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, ये डी क्या होता है लक्षित? ओरिजिन से डिस्टेंस। तो यहाँ है ना, तो यहाँ डिस्टेंस फिर क्या बन गया 1/7 बेटा, क्योंकि कंपेयर करो ना आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। तो मेरे पास जो है डी का ये आंसर। ठीक है कि नहीं बेटा? क्लियर बेटा? राणा सृष्टि तेगवीर रसिका, क्लियर टू यू? चलिए चलिए बेटा नेक्स्ट मेरे पास। लेट अस डू द नेक्स्ट। अब इसी पर बेस्ड, अब आप लोग मुझे बताओगे बेटा अगर आप साथ में पार्टिसिपेट नहीं ना करोगे सारे तो फिर प्रॉब्लम ही आएगी इस टॉपिक में। एग्जाम्पल 15 देखिए, उन्होंने यही कहा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, बट यहाँ इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म दे दी। कोई बात नहीं, अगर कार्टेशियन फॉर्म दे दी है तो बेटा देखिए, अब सबसे पहला काम मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बोला था, कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाओ, चाहे वेक्टर है चाहे आपके पास कार्टेशियन फॉर्म है, कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाओ। जब आप कांस्टेंट टर्म को उधर लेके जाते हो तो आपके पास क्या बन गया 2x-3y+4z=6 बन गया बेटा। अब क्या करेंगे यहां पर, सबसे पहले कोफिशिएंट्स के स्क्वायर के अंडर रूट के साथ हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये अभी डायरेक्शन रेशियोज है, ये ए बी सी की वैल्यू है। अगर ये ए बी सी की वैल्यू है तो ये ओरिजिन इधर डिस्टेंस नहीं है ओरिजिन से। ठीक है बेटा, तो मुझे इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने के लिए 4+9+16 यानी ये हो गया √29। 16+4 = 20, 20+9 √29। अब 2x/√29-3/√29y+4/√29z = 6/√29। अब ये ओरिजिन से डिस्टेंस हो गया डी, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म ऐसे ही होती है ना, LX+MY+NZ = D, जो इक्वल टू के उस साइड पे रहता है पॉजिटिव है तो वो सारा ओरिजिन से डिस्टेंस ही होता है बेटा। बात समझ आई सबको? एनी डाउट टू एनी वन टिल नाउ? चले चले गुड। चलो बेटा नेक्स्ट मेरे पास जो है क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेंथी क्वेश्चन इसी टॉपिक के बीच में से आता है, इसी का पार्ट, मतलब जो प्लेन का टॉपिक आता है ना मैं बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता पेपर में, वो कुछ पार्ट एक पार्ट से उठाता है, कुछ पार्ट एक पार्ट से उठाता है, कुछ पार्ट एक पार्ट से उठाता है और वो बड़ा क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी बहुत बार पेपर में जो है वो क्वेश्चन आता है, तो लेट अस सी। ठीक है, लेट अस सी बेटा।
अब इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। अब क्या वो कह रहा है कि अगर एक प्लेन है, ठीक है, ओरिजिन से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो मेरे पास जो है यहां पर, जस्ट वेट बेटा एक सेकेंड, हाँ जी बेटा, तो अब बेटा देखिए यहां पर मेरे पास जो है, उन्होंने कहा द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। अब ये प्लेन की इक्वेशन दी हुई है 2x-3y + 4z - 6 = 0, और मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब बेटा मुझे ये पॉइंट निकाल, अच्छा ये एक ऐसा पॉइंट होता है जो प्लेन पे भी लाई करता है, ठीक है, और ये नॉर्मल का बेस, बिल्कुल बेस, इमेजिन कीजिए ये मेरे पास एक प्लेन है और यहां पर ऐसे चौक सीधा, तो जहां ये टच कर रहे हैं ना मेरे हैंड को, दिस इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। अब इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, सबसे पहला काम जो डायरेक्शन रेशियोज या कोसाइन इस प्लेन के होंगे ना वो ही इस नॉर्मल के होंगे, ओके, जो डायरेक्शन कोसाइन इस प्लेन के होंगे वो डायरेक्शन रेशियोज इस प्लेन के नहीं होते, बेसिकली किसके होते हैं, नॉर्मल के होते हैं। आप जैसे मर्जी निकाल लो दोनों तरह से क्वेश्चन सही निकलेगा, बुक में वो डायरेक्शन कोसाइन से लेके चलता है, मैं कहती हूँ आप रेशियो से भी निकाल लोगे, अगेन देन यू विल गेट द सेम आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके क्लियर। तो अब मेरे पास जो है यहाँ डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 2-3, 4, यही है ना, 2-3, 4, मैंने ले लिए इसके डायरेक्शन रेशियो 2-3, 4, ले लिया बेटा, ओके। अब इस लाइन की इक्वेशन लिखो नॉर्मल की, आपको पॉइंट पता है, आपको डायरेक्शन पता है एक लाइन की, तो उसकी इक्वेशन लिख सकते हो लाइन की, आपने किया हुआ है ना वन पॉइंट फॉर्म जो है x-x1/a, y-y1/b, z-z1/c, ठीक है, तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, x-0/2, y-0/-3, z-0/4, ऐसा क्यों किया, ध्यान से देखना, ये मैंने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखी है, क्यों किया, मैं यहां पर कोई भी पॉइंट लिखूं, कैलकुलेट करूंगी, लेट इट बी केस, मैंने आगे भी आपको बताया था कि एक लाइन पे हम कोई भी पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कैसे, इसको के इक्वल करके, तो एक्स वाई और जेड की मेरे पास जो है वैल्यू क्या आ गई बेटा, दैट इज 2k, और वाई की वैल्यू -3k, और z की वैल्यू 4k। अब ये k मैंने अपनी तरफ से लिया है ना, मैंने इसको निकालना, अब ये पॉइंट पता कौन सा है, ये कोई भी जनरल पॉइंट है ना, बट मैं इसको ये पॉइंट मानूंगी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मानने का क्या बेनिफिट होगा मुझे, ये किसको सेटिस्फाई करेगा, प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो इट मस्ट लाइज ऑन द प्लेन, करेगा कि नहीं करेगा, तो दैट मीन आप कहोगे इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि जर्नल पॉइंट तो बेटा इस लाइन पे हजारों है, हमारी जो कंडीशन है वो क्या है कि मैंने अगर इसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर मानना तो इट मस्ट सेटिस्फाई द प्लेन, तो मैंने कहा कि दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, तो देयरफॉर मेरे पास होंगे ये क्या करना चाहिए बेटा, ये प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए, जब मैंने प्लेन को सेटिस्फाई कराया 2 × 2k, ठीक है, -3 × -3k और +4 × 4k जो है -6 = 0, हो गया बेटा, तो अब ये क्या हो गया 4k + 9k
और प्लस 16 के माइनस 6 को उधर ले गए 6, अब ये कितना हो गया बेटा मेरे पास, हो गए 13 और ये हो गया 29, के इज इक्वल टू 6, तो बेटा के की वैल्यू 6 बाय जो है वो 29। अल्टीमेटली के हमने अपनी तरफ से माना था, लेट किया था, वो हमने निकाल लिया, तो मैं अगर यहाँ के पुट कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही निकालना ना, तो के पुट कीजिए 6 बाय रूट 29 कॉमा माइनस 3 इंटू 6 बाय रूट नहीं था 29 अगेन जो है 29 और कॉमा 4 इंटू 6 बाय 29 सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट योर फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कभी भी आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर काओ पहले नॉर्मल की इक्वेशन लिखो, ठीक है, उसको इक्वल टू के करो, जनरल पॉइंट निकालो, और जनरल पॉइंट जो है 100% वो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि अगर वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो प्लेन पे लाई करना ही चाहिए बेटा, तो मैंने वो प्लेन को सेटिस्फाई करवाया, वहां से के की वैल्यू आ गई। अल्टीमेट एम मेरा के की वैल्यू कैलकुलेट करना है, बात समझ आ गई बेटा, क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वी विल नाउ रीच ज्वाइन द क्लास, ओके, आफ्टर 2 मिनट्स, ओके, गेट रेडी फॉर द क्लास फॉर द फर्स्ट पीरियड।